वेलकम बैक टू व्लॉग। आज हम आए हुए हैं यहाँ पे, देख सकते हो जॉय ई बाइक्स पे। यहाँ पे मैं आपको एक यूनिक बाइक दिखाने वाला हूँ, जो कि दिखने में पूरी बाइक है पर चलने में एक इलेक्ट्रिक है। तो इसमें कोई गियर वाला सिस्टम तो वैसे भी नहीं मिलता है, तो वो ये बाइक है, देख सकते हो यहाँ पे आप। इसका नाम है मॉन्स्टर जॉय बाइक, देख सकते हो यहाँ पे उसकी ब्रांडिंग भी दी गई है। ये देखो मॉन्स्टर बाइक का नाम है। पूरी की पूरी आपको इलेक्ट्रिक बाइक मिलती है। अगर फ्रंट पैडल की बात करूँ मैं यहाँ पे, उसके हेडलैम्प्स आपको तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, आपकी इसकी इतनी ब्राइट आपको यहाँ पे लाइट देखने को मिल जाती है। हेडलाइट है यहाँ पे, यहाँ पे आपको हजार्ड लैंप भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको सामने भी डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है और रियर पे भी आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और रियर पे यहाँ पे माउंटेड आपका जो इसका मोटर है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। पीछे में मोनोशॉक आपको सस्पेंशन भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे डुअल आपको सस्पेंशन मिलता है यहाँ पे, तो बंद करते एक बार। छोटे छोटे आपको यहाँ पे अलॉयज देखने को मिल जाते हैं बाइक में, जो कि काफी अच्छा सूट करते हैं इसमें। बाइक वाली पूरी पूरी फील देने की कोशिश की है। यहाँ पे देख सकते हो ये आपका जो इंजन वाला पार्ट रहा है, यहाँ पे इंजन रहता है, यहाँ पे आपका बैटरी प्लेस होता है। यहाँ से आप अनलॉक करके यहाँ बैटरी भी निकाल सकते हैं। डिटैचेबल है, पूरा इंजन वाला लुक है, पर यहाँ पे बैटरी दे दी गई है। और ये जो आपका टैंक है देख सकते हो, आपको लगेगा फ्यूल टैंक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पूरी की पूरी जो इसकी फिनिशिंग वो पूरी फ्यूल टैंक वाली दी गई है। पर ये एक आपका जो बोलते हैं ना ग्लव बॉक्स, वो आपको यहाँ पे स्पेस देखने को मिलता है। बूट आपको, बूट इसमें नहीं मिलता है। ये आपका छोटा सा, जो आपका छोटा सा कभी होल या ग्लव बॉक्स, वो आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे इसके डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे ओडोमीटर, और ये देखो मोड, आपको 1, 2, 3 मोड्स भी देखने को मिलते हैं। आपको स्पीडोमीटर, ये ओडोमीटर, यहाँ पे बैटरी दिखा रहा होगा, ये हजार्ड लैंप आपके चल रहे हैं तो वो है। और ये यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोई स्विचेस आपको पूरे देखने को मिल जाते हैं। ये आपको इसका ब्रेक फ्लूइड है, इसमें भी आपको स्विचेस मिल जाते हैं यहाँ पे। अगर उस साइड से मैं अगर दिखाने की बात करूँ आपको, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो वो पूरा पूरा बाइक मिलेगा आपको। काफ़ी सही है, छोटे छोटे चीज़ों पे अच्छा ध्यान दिया गया है कि पूरी बाइक वाली फील देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे पूरी लुक। और अगर मैं इसको चला के भी देखेंगे कि दिखने में सिर्फ बाइक वाली है कि चलाने में बाइक वाली फील आपको देखने को मिलती है। रियर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से रियर से भी आप देख सकते हो यहाँ पे लाइसेंस रोड रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। टॉप स्पीड इसकी 35 समथिंग यहाँ पे क्लेम करते हैं शोरूम वाले। ठीक है, चला के देखते हैं कैसा रहता है वो सारी चीज़ें। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की और बैटरी की, तो बताते हैं आपको कि वो क्या क्या मिलता है। प्राइसिंग इसकी है 1,10,000 की, और रेंज की बात करें तो वो आपको मिलेगी 80 किलोमीटर्स की। बैटरी आप चार्ज कहाँ से करेंगे अगर उसकी बात करूँ मैं, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से आप चार्ज कर सकते हो। ये देख सकते हो ये है, तो यहाँ से आप बैटरी चार्ज कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ इसको, तो आप डिटैचेबल है ये, तो आप मतलब बैटरी बाहर निकाल के भी आप यहाँ से चार्ज कर सकते हो इसको। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो, तो ये निकाल सकते हो। ये देखो यहाँ पे बैटरी का पूरा यहाँ पे वो है, तो ये आप इसको आराम से निकाल सकते हो और बाहर से भी चार्ज कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसी आपको बाइक देखने को मिल जाती है। ये भी आपकी जॉय ई बाइक्स, जॉय इलेक्ट्रिक, सॉल्यूशन टू पॉल्यूशन, इनका टैगलाइन भी काफ़ी सही है, सॉल्यूशन टू पॉल्यूशन। चार्जिंग टाइम की बात करें तो आपको 3.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। इसमें ऐसा नॉर्मल चार्जिंग नहीं आता, आपको जो फास्ट चार्जर है वही देखने को मिलता है, क्योंकि नॉर्मली अगर इलेक्ट्रिक की बात करें तो 4 से 5 घंटे लेती, पर ये 3.5 घंटे में 0 से 100 फुल चार्ज हो जाती है, जो कि एक अच्छी बात है। मेरे को तो काफ़ी सही कॉन्सेप्ट लगा है। अगर जिनको जैसे कि बाइक चाहिए होती है और इलेक्ट्रिक वाला फील भी मिल जाएगा आपको, काफ़ी सही है। चलो चला के देखते हैं और देखते हैं कि कैसी ये गाड़ी रिस्पॉन्स चलाने में कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं हम जॉय की ई बाइक को चलाना और देखते हैं कि कैसा इसका रिस्पॉन्स रहता है। तो अगर यहाँ पे हम बैठने की बात करें तो हाइट छोटे होने के कारण काफ़ी सही है इसका सीटिंग कम्फर्ट भी, और पैर भी अच्छे से नीचे पहुँच जा रहे हैं। तो और अगर यहाँ पे बार की बात करें, हैंडल बार की, तो वो भी काफ़ी अपराइट पोजिशन पर है, तो वो भी काफ़ी सही लग रहा है। तो अब देखते हैं कैसा रहता है, तो चलिए शुरू करते हैं अब इसको चलाना अपन और देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है। ओह भाई भाई, तो झटके मार रही शुरू शुरू में, इनिशियल काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स लग रहा है मेरे को पिकअप का, देख सकते हो फिर से हुआ एक बार। तो देखते हैं अब आगे चला के देखते हैं कैसा रहता है। ओ भाई, ये तो झटके पे झटके दिए जा रही है, जो कि एक अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को ये पॉइंट, क्योंकि अगर आप इनिशियली ऐसे गाड़ी पिक करेंगे तो ये झटके पे गिर भी सकता है कोई आदमी अगर अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया तो। बाकी एक बार आप पेस पकड़ लेंगे उसके बाद ये लीनियरली ऐसे पुल करती है गाड़ी को ऐसे, उसके बाद जर्क नहीं आता है, बस झटके नहीं मारेगी इसके बाद आपको, और बाकी तो सही लग रहा है। अब एक बार अपन इसको इसके थर्ड मोड पे जाके देखते हैं कैसा लगता है, इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है। तो अभी हम थर्ड मोड पे शिफ्ट कर लेते हैं एक बार। तो अब ये इसके थर्ड मोड पे आ चुकी है, और भाई जो पुल कर रही है ना थर्ड मोड पे, जो थर्ड मोड बोल सकते हो स्पोर्ट्स मोड है इसका, कंपनी वाले बोलते हैं कि ओवरटेकिंग के लिए यूज़ करना चाहिए इसको, बाकी
असली में अगर मज़ा लेना है तो फिर थर्ड मोड पे चलाएंगे मोस्ट ऑफ द पीपल। और बाकी एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि थर्ड मोड पे यहाँ पे रीडिंग में 35-32 शो करेगा, पर आपको जब चलाएंगे ना तो ऐसा लगेगा कि आप 50-50 प्लस चल रहे हैं, तो वो पता नहीं क्या है, तो पर फील होती है 50 प्लस वाले की, और बाकी तो सही लग रहा है। और यहाँ पे देखें तो ओ भाई गाड़ी तो स्लिप हो रही है, स्किट हो रही है गाड़ी यहाँ पे, और बाकी मज़ा आ गई मेरे को तो। और सस्पेंशन की बात करूँ तो वो भी काफ़ी सही है, डिसेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो लोग भी, सॉफ्टर साइड पे थोड़े से, और फील पूरी गाड़ी वाली आ रही है यार यहाँ पे मेरे को, एकदम मज़ा आ जा रही है चलाने में। हालांकि पूरी इलेक्ट्रिक है, पर जैसा कि आपको नॉर्मल जो अदर पेट्रोल बाइक्स होती हैं उनके जितना तो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, पर स्टिल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। अब यहाँ पे एथर का मोटर लगा दोगे तो मज़ा ही आ जाएगी। बस यही एक है इनिशियल का मेरे को लग रहा है अभी तक तो। अब यहाँ पे अपन अब यू टर्न लेके देखें तो देखते हैं इसका कैसा रिस्पॉन्स रहता है। पर यू टर्न से पहले तो मैं इसको फर्स्ट मोड पे शिफ्ट कर लूँगा, थर्ड मोड पे कुछ ज़्यादा ही जर्क मारेगी मेरे को पता ही है, तो इसको फर्स्ट मोड पे डालते हैं और अब यहाँ पे यू टर्न लेने की कोशिश करते हैं। तो भाई देखो देखो फिर से झटके दे रही है, देखो ये चीज़ ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई इसमें, बस भी झटके दे रही है जो इनिशियली। बाकी एक बार एक आप एक यूनिफॉर्म्स पे आ जाते हैं स्पीड पे तो काफ़ी सही परफॉर्म करती है गाड़ी, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना। अब हम इसके थर्ड मोड पे वापस शिफ्ट कर लेते हैं। और एक चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ पे जो इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी है ना वो थोड़ी सी दिक्कत है इस पर, मतलब वो अगर जैसे ब्राइट सनी डे होने वाला है ना तो आपको दिखेगा नहीं वो, उस पर आपको विजिबिलिटी की थोड़ी दिक्कत होने वाली वहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ बाकी सब चीज़ की तो फील वील की बात करूँ, सब चीज़ तो सब मस्त है, एकदम बढ़िया है, सस्पेंशन ब्रेकिंग सब कुछ सही है, ओवरऑल एक अच्छा प्रोडक्ट है। बस वो अगर इन लोग फर्स्ट जो चीज़ है ना इनका जर्किंग वाला वो हटा दे तो बहुत सही है। अब जैसे कि ये ब्रेकर है तो भाई देखो ये तो स्लिप करती है, और एक बहुत ज़्यादा पिकअप है इसमें, एकदम ज़्यादा पिकअप है ना, आप इसमें आराम से स्टंट कर सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ जो गाड़ी का बर्नआउट कराते हैं ना वो आराम से आप कर सकते हो। और जैसे कि अभी ब्रेकर क्रॉस हुआ है तो सस्पेंशन वाइज भी बहुत सही है, ओवरऑल प्रोडक्ट तो बहुत सही बनाए हैं, फील वाइज भी एकदम सही है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पूरी बाइक वाली फील आपको देखने को मिल रही है इस पर। हैंडलिंग की बात करूँ, बैलेंसिंग की बात करूँ तो भी सब सही लग रहा है मेरे को, तो काफ़ी सही प्रोडक्ट लग रहा है। बस ये है कि थोड़ा प्राइस सेगमेंट थोड़ा मेरे को हाई लगा इसका, और बाकी तो सारा कुछ ठीक है। अगर आपको थोड़ी यूनिक सी बाइक चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव बाइक चाहिए तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हालांकि वो गियर वाला सिस्टम आपको नहीं मिलेगा, पर स्टिल काफ़ी सही है। फिर से मैं मोड वन में शिफ्ट करके इसको मोड़ूंगा क्योंकि ये झटके मारती है, ये देख सकते हो फिर से झटके दे रही है ये। और बाकी तो सब ठीक है, हम वापस आ चुके हैं अपने शोरूम पर, और ये थोड़ा सा हार्ड ब्रेकिंग स्लिप करी, फिर देख सकते हो आप फिर से स्लिप करी गाड़ी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये था पूरा ओवरऑल जो भी मैं बोलूँ अपना बाइक का एक्सपीरियंस। स्टैंड लगाते हैं और उतरते हैं गाड़ी से। तो ये रही भाई छोटी सी आपकी जॉय इलेक्ट्रिक बाइक, देख सकते हो। कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और हम मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।